हेलो एवरीवन, दिस इज सोनू चौधरी दिस साइड। एंड आज से हम लोग जिस कंसेप्ट की बात करने वाले हैं वो है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। हम लोगों ने अपनी लास्ट वीडियो में अकाउंटेंसी की जो फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप है, आपका अकाउंटेंसी क्लास 12th का जो दूसरा चैप्टर है उसको शुरू करा था। फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। फर्स्ट चैप्टर है वो पार्टनरशिप टॉपिक का, और बुक का दूसरा चैप्टर है फर्स्ट वॉल्यूम का। एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि वो सीधी बात है एक फाउंडेशन रखता है आपकी पार्टनरशिप की। सो हमने पिछली क्लास में, पिछली वीडियो में इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन निकालना सीखा था। एंड मैंने आप लोगों को बोला था कि इसमें 6 टॉपिक्स हैं, तो उन टॉपिक वाइज हमारी वीडियो चलेगी। सो ये दूसरी वीडियो है उसी चैप्टर की। अब यहाँ पे हम लोगों को PNL अप्रोप्रिएशन अकाउंट सीखना है। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट जो होता है, आप लोगों ने लास्ट ईयर एक अकाउंट बनाया था 11th में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बच्चों, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आप लोग क्या करते थे, अपने खर्चे, लॉसेस, इनकम एंड गेन्स, ये 4 चीज़ें रिकॉर्ड करते थे। ठीक है जी, जो इनकम एंड गेन्स होते थे दैट वुड अपेयर्ड ऑन द क्रेडिट साइड, एंड जो लॉसेस एंड आपके एक्सपेंसेस होते थे दैट अपेयर्ड ऑन द डेबिट साइड ऑफ द अकाउंट। ठीक है, पार्टनरशिप्स भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाती हैं, लेकिन वो आपको बनाना नहीं सीखना क्योंकि वो ऑलरेडी आपने पिछले साल सीख लिया है। वो प्रक्रिया सेम होती है पार्टनरशिप्स के लिए। सो इस साल हम 12th में कुछ नया सीखेंगे। जो नया हम लोग सीख रहे हैं वो है PNL अप्रोप्रिएशन अकाउंट। PNL अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनता कब है अकाउंटिंग प्रोसेस में? सो ये बात आप समझ लें कि PNL अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनता है PNL अकाउंट के बाद, इमीडिएटली बाद पार्टनरशिप्स में। ठीक है जी, PNL तो आप समझ गए क्या है, अप्रोप्रिएशन वर्ड क्या होता है। एक बात आप लोग समझ लें, प्रॉफिट जो होता है उस पर दो तरीके के बेसिकली क्या होता है, डिडक्शंस होनी होती हैं। प्रॉफिट्स में से पैसा जाना है, अलॉट होना है अलग अलग चीज़ों में, तो दो तरीके के डिडक्शन हो सकती हैं। या तो होता है चार्ज या दूसरा होता है अप्रोप्रिएशन। बात ठीक है भाई? जो चार्ज हैं, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट बोलते हैं जिन्हें हम, जो आपने PNL अकाउंट में पढ़े हैं, चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो वो देना ही देना है। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब ये होता है। ऑन दी अदर हैंड अप्रोप्रिएशन का क्या मतलब है? अप्रोप्रिएशन आपने पढ़ी है 11th में, लेकिन आप लोगों को याद नहीं होंगी। अप्रोप्रिएशन का एग्जाम्पल है जनरल रिजर्व। ठीक है, जिन लोगों ने मेरे से पढ़ा है 11th में उन लोगों को पता होगा जनरल रिजर्व का मतलब होता है कि भाई हमें प्रॉफिट ज़्यादा हो गया तो कुछ प्रॉफिट हमने निकाल के रख लिया। अब बच्चों आप समझ के देखो, सेविंग्स है जनरल रिजर्व, तो सेविंग्स आप कब करते हो? पैसे एक्स्ट्रा होते हैं तो कर लेते हैं, नहीं होती तो नहीं करते, कंपल्शन थोड़ी है। सो अप्रोप्रिएशन माने क्या? अगर प्रॉफिट हुआ तो वो काम कर देना है, अगर प्रॉफिट नहीं हुआ तो वो काम नहीं करना। ओके, सो PNL अप्रोप्रिएशन में भी हमारी वही चीज़ें आएंगी, जो प्रॉफिट हुआ तो पार्टनर्स को मिल जाएंगी और प्रॉफिट नहीं हुआ तो पार्टनर्स को नहीं मिलेंगी। PNL अप्रोप्रिएशन अकाउंट बेसिकली पार्टनर्स को मिलने वाली चीज़ों का हिसाब किताब रखता है, दैट्स इट। मैंने यहाँ पे जो अपना फॉर्मेट का एग्जाम्पल लिया है, आप लोगों को याद होना चाहिए आगे के क्वेश्चंस करने के लिए। मैं आप लोगों को इस वीडियो में दो क्वेश्चंस कराऊंगा, एक बहुत ही सिंपल होगा और एक थोड़ा सा ट्रिकी और इम्पॉर्टेंट होगा। PNL अप्रोप्रिएशन अकाउंट आने वाली वीडियोज़ में भी बनते रहेंगे, क्योंकि ये जो कंसेप्ट है ये कंपाउंड कंसेप्ट है, मतलब दूसरे कंसेप्ट में भी यूज़ होता रहेगा। ठीक है जी, सो जिन लोगों को इसमें समझ नहीं आएगा, कम समझ आएगा, या फिर जिन्हें लगेगा कि ये जो जितने मैंने क्वेश्चंस करे वो थोड़े कम थे, सो वीडियोस फॉलो अप करें, बड़े आराम से आपको एक्सपर्टाइज आ जाएगा इसमें, क्योंकि हमारे चैप्टर में बहुत क्वेश्चंस हैं, 90+ क्वेश्चंस हैं, बड़ा चैप्टर है। सो यहाँ पे जब हम ये फॉर्मेट समझते हैं, मैंने इस एग्जाम्पल में अज्यूम करा है कि दो बंदे हैं, ए और बी पार्टनर्स हैं। आपको इसी तरीके से क्वेश्चन दे रखा होगा, बंदों के नाम दे रखे होंगे, नाम कुछ भी हो सकता है, पार्टनर्स कितने भी हो सकते हैं। ठीक है जी, चलिए। सो इधर इस साइड पे, डेबिट साइड पे सारी वो चीज़ें आती हैं जो पार्टनर्स को मिलती हैं। ठीक है, पार्टनरशिप को हम बोलते हैं फर्म, पार्टनरशिप फर्म, जैसे कंपनी को बोलते हैं ना कंपनी, सो पार्टनरशिप्स को बोला जाता है फर्म। अब क्योंकि आप समझ के देखो, फर्म के लिए तो ये नुकसान है ना, क्योंकि पार्टनरशिप को फर्म जो पार्टनर्स हैं उनको पे करना पड़ रहा है। पार्टनरशिप फर्म पे करती है अपने पार्टनर्स को ये सारी चीज़ें। ओके, तभी तो पार्टनर्स काम कर रहे हैं, फ्री में तो कोई काम नहीं कर रहा। इधर आती हैं गेन वाली चीज़ें। ठीक है, शुरू करते हैं। आपने PNL अप्रोप्रिएशन की हेडिंग डाली, सबसे ऊपर आया आपका प्रॉफिट, ये प्रॉफिट आपको गिवन होगा क्वेश्चन में। बट ठीक है, एक छोटी सी बात मैंने यहाँ लिखी नहीं है, वो मैं ऐड ऑन करूंगा यहाँ पर। ये प्रॉफिट है,
प्रॉफिट में से माइनस हुआ इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, ये हमने निकालना सीखा था लास्ट वीडियो में। ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है, ये देना ही है चाहे लॉस हो या प्रॉफिट, इसीलिए यहाँ प्रॉफिट में से माइनस हो रहा है। जब प्रॉफिट में से माइनस हो गया तो जो प्रॉफिट निकल कर आया वो हुआ हमारा नेट प्रॉफिट, एक इम्पॉर्टेंट बात, ठीक है जी। आपका नेट प्रॉफिट आया जिसे आपने यहाँ पे बाहर पोस्ट कर दिया, सिंपल बात है, मैं एरो डाल देता हूँ सो दैट कन्फ्यूजन ना हो लोगों को। सो यहाँ पे हमारा नेट प्रॉफिट आ गया। अगर हमें किसी क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट भी दे रखा है और इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन भी दे रखा है, सो हम ये अज्यूम कर लेंगे कि नेट प्रॉफिट में से ऑलरेडी इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन यहाँ से डिडक्ट होकर ये आया है, तो हमें ये कंसिडर करने की ज़रूरत नहीं होगी। अगर किसी क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट गिवन है तो आप ये मान सकते हैं कि प्रॉफिट में से ये माइनस हुआ हुआ है और ये पूरा करने की ज़रूरत नहीं है। ये जो नेट वर्ड है इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है, ऐसा क्वेश्चन है आपकी बुक में, साजल एंड काजल करके पार्टनर्स हैं उसमें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, जो पार्टनर्स पैसा निकालते हैं पार्टनरशिप में से पर्सनल यूज़ के लिए, उस पर फर्म लेती है उनसे इंटरेस्ट। इंटरेस्ट इसलिए लेती है ताकि पार्टनर्स थोड़े से डिस्करेज हों, वो ज़्यादा पैसा ना निकालें, वरना फर्म पे क्या बचेगा, फर्म कैसे काम करेगी। तो ये दोनों पार्टनर्स का इंटरेस्ट आ जाता है, ये फर्म को मिलता है इसलिए उसके लिए फ़ायदा है, इसी वजह से क्रेडिट साइड पर आता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर्स पैसा लगाते हैं बिजनेस में, कैपिटल कहलाती है वो। अब ऑब्वियस सी बात है, किसी बंदे ने पैसा लगाया तो भाई उन्हें कुछ मिलना चाहिए, तो वो इंटरेस्ट देते हैं, लेते हैं। सैलरी, कमीशन, अंत में ये टोटल करके, ठीक, ये सारा माइनस करके जो बचता है उसको कहते हैं प्रॉफिट ट्रांसफ़र। अभी मैंने पूरा नहीं लिखा है, ये वैसे होता है प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट, पर आप इसे प्रॉफिट ट्रांसफ़र भी लिखेंगे तो एकदम ठीक है, कोई गलती नहीं है। उसके बाद जो प्रॉफिट आता है उसको आप अपने पार्टनर्स में बांट दीजिए उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में, और अगर किसी क्वेश्चन में प्रॉफिट शेयरिंग रेशो गिवन नहीं है सो आप उसको बांट लेते हैं बराबर, ठीक है जी। सो यहाँ पे इतनी बात हो गई, ये हमारा फॉर्मेट था, कंसेप्ट था। एक छोटा सा नोट है जो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहता हूँ, ये रहा वो बात, बहुत ध्यान से सुनेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए कि किसी क्वेश्चन में प्रॉफिट की जगह लॉस दिया हुआ है, ठीक है जी, अब लॉस दे रखा है प्रॉफिट नहीं है, सो उस केस में जब तक क्वेश्चन ना बोले, और मान लीजिए क्वेश्चन सिंपली बोलता है, साइलेंट है क्वेश्चन, सारी चीज़ें दे रखी हैं पार्टनरशिप की, और आपको बोलता है प्रॉफिट बांट के दिखा दो जी, क्वेश्चन में ज़रूरी नहीं है कि पीएनएल अप्रोप्रिएशन ही लिखा हो, ये भी लिखा हो सकता है कि प्रॉफिट बांट के दिखा दीजिए, उसमें भी आपको पीएनएल अप्रोप्रिएशन ही बनाना है, ये खुद समझना है। अब मान लीजिए ऐसे क्वेश्चन में जिसमें पीएनएल अप्रोप्रिएशन भी इंस्ट्रक्ट नहीं करा हुआ और हमें प्रॉफिट की जगह दे दिया लॉस, ये नोट आप पढ़ सकते हैं, यही बात इसमें लिखी हुई है। सो भाई लॉस दे दिया है अगर और क्वेश्चन कुछ नहीं बोलता, सो आप वहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं बनाएंगे, आप वहाँ पे बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। हम ऐसा एक क्वेश्चन करेंगे भी अभी आगे, सो दैट के आपको ये बात की क्लैरिटी रहे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने का पर्पज़ ये है कि मैंने जो भी बात शुरू में बोली थी पी एन एल अप्रोप्रिएशन का मतलब समझाते हुए, अप्रोप्रिएशन का मतलब ही है कि वो चीज़ जो तब हो जब प्रॉफिट्स हैं। अब जब प्रॉफिट्स ही नहीं है तो भाई पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने का पर्पस क्या है, दैट्स वाई हम पीएनएल अकाउंट बनाते हैं अगर हमें क्वेश्चन में पहले से प्रॉफिट की जगह लॉस गिवन होता है, ठीक है। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन इंसिस्ट करे कि नहीं लॉस पर भी आप पीएनएल अप्रोप्रिएशन ही बनाओ, तब भी हम नीचे नोट लिखेंगे तब पीएनएल अप्रोप्रिएशन बनाएंगे, इस बात को ध्यान रखेंगे। अभी इस बात को हम आगे क्वेश्चंस में भी डिस्कस करेंगे, हम दो क्वेश्चंस करेंगे बस, एक सिंपल स्टैंडर्ड क्वेश्चन सीधा साधा, एंड दूसरा ये नोट पे बेस्ड क्वेश्चन, सो दैट के आपको ये कंसेप्ट ज़्यादा अच्छे से समझ आ पाए। सो अगले सेक्शन में बढ़ते हैं जहाँ पे हम अपने क्वेश्चंस करने वाले हैं। सो यहाँ पे हम लोग अपना क्वेश्चन कर रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट का। जैसे मैंने बताया कि हम लोग दो क्वेश्चंस करेंगे, एक ईजी जो नॉर्मल केस है जनरल, एंड एक वो केस जहाँ पे हमें नेट प्रॉफिट की जगह लॉस दिया हुआ है, ठीक है बच्चों। सो ये जो क्वेश्चन है हमारा, सीधा साधा सा क्वेश्चन है, आप लोग देख सकते हैं अपने लेफ्ट हैंड साइड पे कि ए एंड बी पार्टनर्स हैं, ए की जो कैपिटल है बच्चों वो 1,00,000 है, बी की कैपिटल 60,000 रुपये है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उन्हें देना है 6% पर एनम। ये अभी कैलकुलेशन आप लोगों ने सीखी नहीं है लेकिन बहुत सरल सी कैलकुलेशन है, 1,00,000 रुपये पे इंटरेस्ट देना है 6% पे पूरे साल का, दैट्स इट। तो मतलब 1,00,000 का 6% निकाल दो, सिंपल, कोई कन्फ्यूजन की बात नहीं है। ऐसे ही बी के लिए करेंगे, वो आगे देखेंगे। बी को सैलरी मिल रही है 3,000 पर मंथ, सो 3,000 पर मंथ मिल रही है, पूरे साल मिली होगी 3,000 × 12। अभी करके देखेंगे, अभी बस क्वेश्चन समझ रहे हैं।
प्रॉफिट है साल का हमारा 80,000 रुपीज, आप पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाए, आपसे क्वेश्चन रिक्वेस्ट करता है। ठीक है जी, सो बात शुरू करते हैं। मैंने सबसे पहले यहाँ पे लिख लिया अपने लिए नेट प्रॉफिट। इस क्वेश्चन में कम चीज़ें हैं, वो सारी नहीं है जिस जो हमने फॉर्मेट में लिखी थी, और होगा भी ऐसा ही, वो सारी चीज़ें आपको नहीं देगा, चीज़ें कम होंगी, ज़रूरी नहीं है कि सब कुछ हो। सो यहाँ पे आपको जो नेट प्रॉफिट का अमाउंट दे रखा है बच्चों, दैट इज़ 80,000 रुपीज़, आपने यहाँ पे 80,000 लिख दिया। देन उसके बाद आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना। अब जिन लोगों को फॉर्मेट याद है पीछे से, वो देख सकते हैं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आता है यहाँ, क्योंकि पार्टनर्स को मिलेगा ये। आपको यही प्रेजेंटेशन फॉलो करनी है, ए बी मैं यहीं कैलकुलेट कर दूंगा और आप भी यहीं कैलकुलेट करेंगे। 1 लाख का 6% एंड 60,000 का भी 6%, ये उन दोनों की कैपिटल है, आप लोग देख सकते हैं, आपको गिवन है। 6,000 रुपये ये आएगा, 3,600 रुपीज़ ये आएगा। जो छोटे बच्चे हैं वो कैलकुलेटर्स यूज़ ना करें, 12th वाले, उनके लिए बेटर है, क्योंकि अगर वो अभी से कैलकुलेटर्स यूज़ करेंगे तो एग्ज़ाम में कैलकुलेशंस बहुत स्लो हो जाएंगी। जो ग्रेजुएशन वाले वीडियो देख रहे हैं वो लोग कैलकुलेटर्स अलाउड हैं उन लोगों को एग्ज़ाम में, सो वो कैलकुलेटर्स यूज़ कर सकते हैं। चलिए, बी को सैलरी मिल रही है 3,000 पर मंथ, तो हमने यहाँ पे सैलरी मेंशन करा। सैलरी हमारी बी की, और सैलरी भी कितनी है, 3,000 फॉर एवरी मंथ, सो 3,000 × 12 दैट इज़ 36,000 रुपीज़। आई होप आप लोगों को समझ आ रहा है यहाँ तक, ये वाली बात हो गई, और कुछ क्वेश्चन में बचा नहीं। ठीक है, टोटल करेंगे, तो मैंने टोटल जब मैं करने लगा, सो ये वाली साइड ही ज़्यादा है, 80,000 में से मैंने वैल्यूज जब माइनस करे, सो मुझे माइनस करना है 80,000 में से 45,600 रुपीज़। जब मैंने माइनस करा तो मुझे मिला 34,400 रुपीज़। ठीक है, यहाँ मैंने लिखा बच्चों, प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये क्या चीज़ होती है ये आप अगली वीडियो में समझेंगे, जो कैपिटल अकाउंट होता है, इसका एक अलग कंसेप्ट है। आपको यहाँ पे ए और बी के बीच में प्रॉफिट बांट के दिखाना है, लेकिन पूरे क्वेश्चन में कहीं भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो नहीं गिवन है। और हम लोगों ने जो 5 बेसिक रूल सीखे थे उसमें पहला रूल था, व्हेन नो प्रॉफिट एंड लॉस रेशो इज मेंशनड, इट मींस कि हमारी पार्टनरशिप डीड नहीं है। सो मतलब क्या है कि प्रॉफिट एंड लॉसेज वुड बी शेयर्ड इक्वली। सो यहाँ दो लोग हैं, सिंपली 34,400 × 1/2, 34,400 × 1/2। अगर हमारे 3 पार्टनर होते तो ये 1/3, 1/3, 1/3 हो जाता, 4 पार्टनर्स होता है तो 1/4 हो जाता रिस्पेक्टिवली सबके लिए। सिंपल है, यहाँ पे आपने सिंपली इसको सॉल्व करा, 17,200, दैट्स इट। यहाँ पे हमारा सिंपल वाला क्वेश्चन ओवर हो गया। अब हम चलते हैं अपने टेढ़े वाले क्वेश्चन के ऊपर, जिसमें हमको लॉस गिवन होता है पहले। सो ये रहा क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन्स के ऊपर, ये जो क्वेश्चन है हमारा आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन्स पे। रीमा एंड सीमा पार्टनर्स हैं, प्रॉफिट एंड लॉसेस शेयर करते हैं इक्वली, उसने बता दिया। वो नहीं बताता तब भी हम बेसिकली यही मान लेते कि बराबर ही बांट रहे हैं वो प्रॉफिट। आगे क्वेश्चन कहता है कि जो पार्टनरशिप डीड है वो कहती है कि रीमा एंड सीमा जो है दोनों को सैलरी मिलेगी 15,000 रुपये ईच एवरी मंथ। ठीक है, कैप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा 5%, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज होगा 10%, जो कैपिटल्स हैं उन दोनों की वो है 5 लाख रुपये ईच, मतलब रीमा की भी 5 लाख है और सीमा की भी 5 लाख है। ठीक है, और ड्रॉइंग्स उनकी दे रखी हैं 60,000 रुपये ईच, मतलब रीमा ने भी 60,000 रुपये निकाले हैं और सीमा ने भी 60,000 रुपये निकाले हैं साल के। फर्म को लॉस हो जाता है बच्चों 1 लाख रुपये का। ठीक है, क्वेश्चन आपको कहता है भाई लोगों पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओ। अब ऐसे में आप पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बना दोगे क्वेश्चन के लिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैंने यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की हेडिंग डाली है। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की हेडिंग क्यों डाली है, क्योंकि मैंने क्या सिखाया था कि अगर इस क्वेश्चन में पीएनएल अप्रोप्रिएशन नहीं लिखा होता तो मैं अकाउंट बनाता प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। लेकिन इस क्वेश्चन ने मुझे कह दिया कि भाई आप पीएनएल अप्रोप्रिएशन ही बनाओ, तो पीएनएल अप्रोप्रिएशन कैसे बनेगा। एक और छोटी सी बात, चाहे पीएनएल बने चाहे पीएनएल अप्रोप्रिएशन बने, लॉस के केस में दोनों बनते सेम है, बस फर्क नाम का होता है और कोई फर्क नहीं होता। सो हम इस नाम को चेंज करके अप्रोप्रिएशन कर लेते हैं। सो अगर हम अप्रोप्रिएशन अकाउंट बना रहे हैं, सो देखिए अब क्या होगा। मैंने आप लोगों को बताया था कि अप्रोप्रिएशन वो बातें होती हैं कि अगर प्रॉफिट हो तो दी जाएंगी, अगर प्रॉफिट ना हो तो नहीं दी जाएंगी। यहाँ पे प्रॉफिट तो है नहीं,
तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन नहीं मिल सकते पार्टनर्स को, क्योंकि फर्म पे पैसा ही नहीं है। लेकिन जो लेना है पार्टनर्स से इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, वो तो लिया जा सकता है ना, क्योंकि उसमें तो फर्म का फायदा है, तो वो हम लेंगे। लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन है नहीं इस क्वेश्चन में। मैंने मेंशन करा आप लोगों की नॉलेज के लिए बस, कमीशन नहीं लिया जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे लॉस ट्रांसफर आएगा। क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं, कैसे होगा। अब भाई देखो, लॉस है, प्रॉफिट होता तो इधर लिखते हो आप लोग, सो लॉस होगा तो किधर लिखोगे, इधर लिखोगे। सो लॉस आया आपका, कितना है आपका लॉस, नेट लॉस जो गिवन है, नेट लॉस आप लोगों को गिवन है 1 लाख रुपए, आप लोग क्वेश्चन में देख सकते हैं अपने। देन उसके बाद बच्चों, यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग लेना है। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग की तो साइड चेंज नहीं होगी, फर्म को तो फायदा है ना इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग से। मैंने नाम लिखा रीमा, सीमा। एक छोटी सी बात आप लोगों की नॉलेज के लिए मैं बता दूं, ये बात डिटेल में हम इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग में डिस्कस करेंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग जब पर एनम बोला हो और ड्रॉइंग दे रखे हो तो 6 महीने का ही लगता है, पूरे साल का नहीं लगता। अभी आप बस इतनी बात समझ लीजिए कि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स 6 महीने के लिए लगता है पार्टनरशिप में बाय डिफॉल्ट, ठीक है जी। सो यहाँ पे 60,000 रुपये ही इनकी ड्रॉइंग्स थी और 60,000 रुपये ही इनकी ड्रॉइंग्स थी। सो आपने निकाला, आपको इंटरेस्ट बोला गया था 10%, तो 6 महीने का निकालेंगे आप इंटरेस्ट 10% के लिए। फिर से 6 महीने और 10%, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 3,000 रुपये ये आएगा और 3,000 रुपये ही ये आएगा। जब आप इन दोनों अमाउंट को जोड़ेंगे तो दैट वुड बी 6,000, ठीक है। 1 लाख में से 6,000 बचे गए तो आपका बचा 94,000 रुपीज़। 94,000 है आपका लॉस ट्रांसफर। ये जो लॉस है जाना चाहिए रीमा एंड सीमा के बीच में, उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, मतलब बराबर। जब आप इसे बांटोगे तो दैट वुड बी 47,000 रुपीज़ एंड 47,000 रुपीज़। यहाँ पे आपका जो PNL अप्रोप्रिएशन का कंसेप्ट है वो ओवर हो जाता है। सिंपल, आप लोगों को बस क्या बात ध्यान रखनी है कि लॉस अगर है तो हमें क्या मेंशन्ड है, सेम जो प्रेजेंटेशन है सब कुछ सेम रहेगा, ट्रीटमेंट भी। बस फर्क किस बात का है कि यहाँ पे अप्रोप्रिएशन या अकाउंट लॉस के केस में, ठीक है जी। वो भी क्वेश्चन पे डिपेंड करता है, क्वेश्चन क्या लिख के देगा। क्वेश्चन कुछ लिख के नहीं देता, अपन लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना देते हैं, नीचे नोट लिख देते हैं। क्वेश्चन ने बोला है स्पेशली प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन ही बनेगा, इसीलिए मैंने PNL अप्रोप्रिएशन बनाया। बनेगा सेम ऐसे ही अगर PNL भी बनता तो, ठीक है जी। सो आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ आई होगी। जिन लोगों को जो भी सजेशंस हैं, कोई भी डाउट रह जाते हैं, कोई एक्स्ट्रा रिक्वेस्ट है हमसे, कोई नीड है या कोई सजेशन है हम लोगों के लिए, सो आप नीचे कमेंट्स में बोल सकते हैं हम लोगों को, ठीक है जी। थैंक यू वेरी मच एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल।